अगर आप पालक खाने के शौकीन हो तो पालक आलू की ये रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई करना, डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा। Welcome back to my channel Tea Waits Coffee. मैं हूँ प्रियंका और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मजेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पालक डाल दिया है। मैं पालक को थोड़ा सा बॉईल करूँगी, मतलब इसे आप ये बोल सकते हो कि ब्लांच करूँगी। तो पालक को मैंने अच्छे से धो लिया है और मैं यहाँ पे तेल मसाले कुछ भी नहीं यूज कर रही हूँ, बस पालक को डालना है और थोड़ा सा उसमें हमें पानी ऐड करना है, मतलब आधा ग्लास से भी कम। और थोड़ी देर के लिए हम इसे सॉफ्ट होने छोड़ देंगे। पालक जब सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसे पीसना है, हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल एक पेस्ट सा बना लेना है। तो पालक सॉफ्ट हो चुका है और उसने अपना भी पानी छोड़ दिया है, तो पालक को निकाल कर ठंडा करके हम पीस लेंगे और इस पानी को हम ग्रेवी में यूज करेंगे। तो चलिए अब सब्जी बनाते हैं पालक की। तो पालक आलू करी बनाने के लिए मैंने डाला यहाँ पे तेल, 2-3 टेबल स्पून है ये सरसों का तेल। आप जो भी डेली यूज करते हो कुकिंग ऑयल आप वो ही डालो। और तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे जीरा, साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग और एक प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, मतलब एक प्याज काट कर हमें इसे डाल देना है और हमें अच्छे से सुनहरा होने तक इसे भून लेना है। तो प्याज जब तक हमारा भून रहा है तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेंगे जो हम सब्जी में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच है ये हल्दी पाउडर, साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। तो आप अगर बच्चे ना हो घर में तो आप प्याज के साथ साथ एक रेड चिली उसमें भी डाल सकते हो, सूखी वाली लाल मिर्च। साथ ही मैंने डाला यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये जो गरम मसाला पाउडर है ये घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है। तो प्याज जो है भून चुका है तो अब इसमें हम इस टाइम पे डाल देंगे ये मसाले जो हमने अभी यहाँ पेस्ट बनाया था, और मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हम एक टमाटर चॉप किया हुआ, मतलब एक टमाटर काट कर हम डाल देंगे। और मसाले और टमाटर को अच्छे से हमें भून लेना है एक अच्छा सा खुशबू आने तक। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक, स्वादानुसार नमक। तो नमक से है ना टमाटर जो है जल्दी से वो गल जाता है और मसाले चिपके ना, इसलिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पानी। और मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है तब तक जब तक कि मसाले के ऊपर तेल ना दिखने लगे। जब ऊपर ऊपर तेल दिखने लग जाएगा तो इसका मतलब है हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भून चुका है। तो मसाले जो है जितने अच्छे से हम भूनते हैं, मतलब जितनी अच्छी खुशबू इसकी आती है उतना ही टेस्टी हमारा सब्जी बनता है। कोई भी सब्जी आप बनाओ तो उसमें भूनना उसका बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने अच्छे से आप सब्जी को भूनोगे उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। साथ ही मैंने डाल दिया ये पालक का पेस्ट जो मैंने बनाया था पालक के पत्ते का, और इसे भी हमें थोड़े देर के लिए भूनना है ताकि पालक में जो है सारा मसाला अच्छे से मिल जाए और इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो पालक का मसाला जो है मेरा भून चुका है, ये देख सकते हो आप बहुत अच्छे से भून चुका है। तो बॉईल करके जब हम पालक डालते हैं ना तो इसका कलर एज इट इज मतलब रह जाता है, जैसा मतलब हमें चाहिए ग्रीन वो रह जाता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 आलू लिया है जिसे मैंने वैसे ही हाथों से ही फोड़ लिया है और ये मैं डाल रही हूँ और इसे मैं 2 मिनट के लिए आलू और पालक को भी मैं भूनूंगी। तो पालक आलू को मैंने भून लिया है 2-3 मिनट तक बहुत अच्छे से। तो अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो ये वही वाला पानी है जो पालक में से बॉयल होकर बचा था ना, ये वही वाला पानी है। तो पानी आप अपने हिसाब से डालो, मतलब किस थिकनेस का हमें ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा रनी चाहिए या फिर गाढ़ा चाहिए। पालक आलू को ढककर हम 4-5 मिनट के लिए उबलने देंगे, फिर हमारा सब्जी जो है तैयार हो जाएगा। और ये देखो मैं 5 मिनट के बाद देख रही हूँ तो इसी थिकनेस का मुझे चाहिए ग्रेवी। मुझे तो ये चावल के साथ बहुत पसंद है और पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको पालक पसंद है तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाओ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।